मैम हमारी जो इतिहास है महिलाओं का जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये चर्चा हुई थी कि क्या महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए वहाँ पे जो पंद्रह महिला सदस्य भी थीं उन्होंने उसको खारिज कर दिया था उन्होंने कहा था कि इक्वालिटी विल बी द बेसिस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक ऐसा विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया जहाँ पर महिलाओं को इक्वालिटी और समानता का उनको समानता की जिंदगी दी पर दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछहत्तर साल में जो महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए थी स्टेट असेंबलीज हो या केंद्र में हो, वो हमें मिली नहीं इस वजह से आज हम इस रेजर्वेशन की चर्चा कर रहे हैं आज अगर हम रेजर्वेशन की बात करते हैं ये लड़ाई हमारी जो शुरू हुई है इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो मैं तो ये एक ऐतिहासिक पल मानती हूँ कि मुझे इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस बिल का समर्थन हमारी पार्टी कर रही है पर हमारे साथ दो दिक्कतें हैं जो हमें आपके सामने साझा करना चाहती हूँ सबसे पहले तो साढ़े नौ साल बाद 2014 के मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में वादा था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा पर वो आरक्षण को आते आते साढ़े नौ साल लगे जे नड्डा जी ने बहुत सारी बातें कही उन्होंने कहा दिस इज दी ओनली वे वी कैन गिव रिजर्वेशन मैं कहूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम दिस इज नॉट दी ओनली वे वी कैन गेट रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन दो हजार दस का बिल ले आइए दो हजार दस का बिल लागू होता अगले लोकसभा इलेक्शन से आप सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट देख लीजिए वो फ्यूचर डेट के नहीं थे वो इमीडिएटली इंप्लीमेंटेबल थे पूरी दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बना होगा जो आने वाले सात साल बाद लागू होगा तो ये महिलाओं के साथ ये जो हो रहा है मैं मानती हूँ उनको एक झुंझुना जुन दिखाया जा रहा है कि आरक्षण तो दे रहे हैं पर आरक्षण के साथ हम कंडीशन भी रख रहे हैं दरवाज़ा तो खोल रहे हैं पर साढ़े सात साल तक आपको उसमें एंट्री नहीं देंगे ये कह रहे हैं साथ में मैं पूछना चाहती हूँ क्या आपको रोक रहा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जो आपको रोक रहा है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन से तो दुख इस बात का होता है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की पूरी तरीके से जो आज मिठाई बांटते और खुशी होती है हम सब महिलाओं में उससे हमें वंचित किया जा रहा है Please, maanye, मैं बस आपका एक समय एक एक, हो गया continue. जी जी मैम एक मिनट एक मिनट में खत्म कर दूंगी आप लोगों से ज्यादा समय नहीं मांगूंगी ना उम्मीद है बस जाते जाते एक चीज कहूंगी कि जो 2010 का बिल था उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी महिलाओं के लिए आरक्षण था तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा में आप भी सांसद हैं मैं भी सांसद हूं जितना लोकसभा में उन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में नहीं है तो सदस्य होना चाहिए बस इसी बात को कहते हुए मैं इसको वेलकम करती हूँ मैं इसको सपोर्ट करती हूँ और एक ऐसा ऐतिहासिक दिन हम रचने जा रहे हैं उसको मैं आप सभी का जिनने सपोर्ट किया है आभार व्यक्त करूंगी धन्यवाद